अली आप चेकर से बाहर आए और दूसरी भी गैंग के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली हुसैन और आप लोग मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं अपना मज़ा। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अभी ये मेज़ें ट्रैक्टर पर रख दी हैं क्योंकि इनको सेट करवाना है, मेज़ों को शीट्स न्यू लगवानी है। ये देखें फट गई है, शीट्स पुरानी हो गई। मिस्त्री के पास लेकर के जा रहा हूँ इन दो मेज़ों को। ऑलरेडी शीट्स तो वहाँ पर है, उसके पास ही है। ठीक है, कल हमने पहुंचा दी थी अब्बू और मैंने। आज मैं मेज़ों को इस पर वो शीट्स फिट होंगी और अलमारी भी बनवानी है, वो वहाँ जा कर के पूछते हैं। आई होप कि यहाँ से नहीं गिरेंगी। अम्मी ने 100% श्योर कहा है कि यहाँ से नहीं गिरेंगी, तो अम्मी जान की मैंने बात मान ली है। एक साइड पर मेज़ रखी है ये और दूसरी साइड पर दूसरी रख दी गई है। अम्मी जान ने ये आइडिया दिया है कि मेज़ ऐसे रखो। ठीक है जी, ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चौक आगे पीछे थी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गियर लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गियर लग गया पहला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई होप के ये ना गिरें, बाकी खैर है, स्लिप हो सकती है। ट्रैक्टर को आहिस्ता ऐसे ही चला रहा हूँ, पहले गियर में ही लेकर के जाऊँगा, देखते हैं। उम्मीद है कि नहीं गिरेगी। जंप न लगा तो मेज़ें नहीं गिर सकती, जंप लगा तो हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम मिस्त्री साहब, यार ठीक हो? खैर ही नहीं, बढ़िया। मिस्त्री साहब बोल नहीं रहे मेरे से, नाराज हो गए। तो एनी हाउ, ये अभी मेज़ें लेकर के आए हैं, इनकी शीट जो है ना वो चेंज करवानी है, मतलब रिन्यू होगी। और बाकी तो अलमारी बनवानी है, वो शीट्स जी जी हाँ, ये शीट्स जी हाँ, यही लगानी है। बेहतरीन कलर चॉइस करा है। और ये अलमारी बनेगी जी हाँ, ये कड़ियाँ वगैरह हैं वो साथ ही जी। और बाकी इतना ख़ास काम तो नहीं है। कदम चाहनी जी कल जी कल कितने बजे? 11 बजे। अच्छा, इससे टाइम ठीक हो गया। 10-11 बजे हमने ये तैयार होंगी और यहाँ से उठा लेंगे। रात को मेरे को बुखार हो गया था और अभी सुबह सुबह पैनाडॉल ली है, कुछ थोड़ा बहुत खा के उसके बाद पैनाडॉल ली है और अभी चाय पी रहा हूँ, अम्मी ने बना दी है। सर में इतना दर्द है, काफ़ी ज़्यादा दर्द है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पकड़ा हुआ हो। तो बुखार, टांग में शदीद दर्द है, ये घुटने हैं, इसके नीचे दर्द महसूस हो रहा है, ऊपर नहीं है, नीचे ही है। तो जब चलता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। कल जो मेज़ें रख आया था मिस्त्री के पास, आज बन गई हैं, तो मेज़ें अपनी और वही उठाने जा रहे हैं।
भेड़े आ गई थी आगे रास्ते में ट्रैक्टर में, क्या मतलब ये है जी शेरगढ़, ये शेरगढ़ की गलियां ही समझ लें। हमारे इलाके का नाम जो है शेरगढ़ है, शेरगढ़ गिल्ला वाला। मिस्त्री के पास पहुंच गए जी, यहाँ पर हमारी मेज शीट सुनिए पे, मतलब हाथी को नहीं लाया। हाल हाला यार बोलो तो सर। चलो सुबह तो मेजें हमारी तैयार हो गई हैं, दो मेजें भारी हो गई हैं सर। अंगे ना मेजें हमारी तैयार हो गई हैं, जो पहले वजन था उससे ज़्यादा वजन हो गया, मतलब शीट्स लगी हैं। अच्छा शीट एक इस पर खर्च हो गई पूरी, सही हो गई। ए भाई घूम गए मिस्त्री घूम गए चारा कर रहा है सर का। तो शीट्स जो दो शीट्स थी वो एक शीट्स बाकी है, और अलमारी इन्होंने तैयार नहीं करी। अलमारी कह रहे हैं कि कल ले जाना, ठीक है तो मैं फिट करके दे दूंगा। कील वगैरह दो चार हैं वो फिट करने हैं फिर उठा लेना। मैंने कहा जी ओके हो गया। इनका वजन जो है वो बढ़ गया है, पहले इतना नहीं था क्योंकि वो अभी शीट्स लीव लगी है, लीव हुई है तो अभी इसका वजन ज़्यादा है। बुखार की हालत में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे ना सर दर्द नहीं हो रहा। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो स्ट्रेंथ है एनर्जी है वो वैसे ही मेंटेन है, और अभी रख दिए है। चलते हैं मेज बच गई है, बच गई है, बच गई है। ए इंद्र तुम्हारा ए सर हाई नहीं पीछा पीछा ए पीछे से अली आप ट्रैक्टर से बाहर रहा है और दूसरी भी गैंग गई है। मेजें ना नीचे आई हैं दो मरतबा, क्रैश नहीं हुई। इधर ऊपर काफ़ी मुश्किल से मेज़ों को संभाले हुए हैं। कितने निकले जी? ये पूरी मंथ लग गए। कील निकल गया है यहाँ से, थोड़ा कील जैसे वो नीचे आई है तो एकदम से धचका लगा है। ये ऊपर बॉर्डर ये ऊपर आ गया है। हाँ ये देखें ये लेवल पर है और ये ऊपर है, ये ऊपर हो गई। डटी है एक नहीं बचा ना, लगी है।
हाँ वो दो दफ़ा ये हाँ दो दफ़ा ये गिरे हैं। तो यानी आओ अभी घर रखते हैं, बताएंगे किसी को नहीं, सीक्रेट ही रखेंगे। अच्छा ये चार दिन से आराम से घर गया। हाँ घर वो घर वाले डिसेशन भाई कितने रखनी वजनी है आराम नाल भी उठा लो जी। और मेरी ना तबीयत डाउन है, तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे। अली हुसैन को दीजिए इजाज़त, ना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।